प्रहलाद बोला, हर मैं का जग में भुआ और मैं तुम सी देखी नारी है। और कितनी सुंदर नाक बुआ, मत धर दई बुआ कुल्हारी है। खुशी मना सर जवाब दिया, तेरी किस्म बुआ तेरी नाक तो जिम वाले बत्तमन कुड़ाई दत्ते उठाएगा दे सके मारे चटक ये सुंदरता ही है मेरी। जब समय पूरा है यहां तब देखूंगी तो प्रहलाद बोलो अगर का है सुन ले। अरे कितनी सुंदर पुआ हो, कितनी सुंदर पुआ हो, सुपर्ण में नहीं आती है। कैसे सुंदर कान बुआ मत कान हला में आती है। प्रहलाद सुन के सके मन चटक गई, दस का दो मेरे समय आ जाता। प्रहलाद बोलो सुन ले बोला, ऊपर सके मारे चटकी में समय है जान। तब तक यारा धराती है आई, बाप ने बेटा रही धम तब तक। आधी रात्रि का वक्त हो गया, तब कई सिंहका ने बुलाइए पे राम को सुंदरता ही तो खूब बताई तूने। प्रहलाद विचार कर रो, बुआ से विनती करके और देख लूं। बोला ताली बजाते हुए बोले, हे राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो है। राज तुम्हें नहीं मिलेगा, सगो भतीजो थारो
सको नाना प्रकार से अनुरोध किया। बुआ, अगर हम मर गए तो यहां का राज तुम्हें नहीं मिलेगा। सिंह कहने की बहुत देर रह गई तो है। बुला, अपने राम को याद कर ले, मेरा समय पूर्ण हो चुका है। जोर आधी रात्रि का वक्त हुआ। अरे आधी रात को समय भाओ पापिनी ओढ़ लाई साड़ी रे, रोड की बैठ गई सिंगिका। जो मंत्र का जाप किया लकड़ के चट्टा में आग लग गई। जो लकड़ के चट्टा में आग लगी भजन करे सोई गए।
चिता में आग लगी, भजन कर रहा है प्रभु, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? समझ गए परमात्मा, प्रहलाद कह रहा है प्रभु बिल्ली के जलते हुए हवा में चार बचाए और हम तो अकेले हैं, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? समझ गए परमात्मा, भक्त संकट में आ गया। अरे जब बेटा ने नाम लो जाग गए पगधारी और पवन देव को कब दो दे गए पवन सुहाई भगवान ने पवन को आदेश किया और जो पवन को आदेश हुआ आगे पवन देव को हुकम भाव दे गए आधी को झोंका आया, आंधी के झोंका से शीतला चिर उड़ गया सिंह का के शरीर से और आगे अरे आंधी को झोंका आयो लपटी उड़ी गई साड़ी साड़ी में देखा लिपट गया और नंगी रही गई दाढ़ी का गोद में ले बैठी अभी प्रहलाद को शीतला चीर ओढ़े आंधी के झोंका से शीतला चीर सिंहका के शरीर से उड़ के प्रहलाद में लिपट गया नंगी रह गई। तब आदेश हुआ भगवान का अग्नि के लिए, अग्नि विष्णु भगवान की बेटी है, अग्नि देव अलग है अग्नि अलग है, अग्नि विष्णु भगवान की बेटी है, विष्णु भगवान के मुंह से जन्म हुआ अग्नि का और जो बाप का आदेश बेटी के लिए हुआ अब जल के दिखा के नहीं जले भाई जब आदेश हुआ अरे जब बबुला को हुकम भाव छोटे अग्नि ने मारी साड़ी में गई सिंह का साड़ी चीर में प्रहलाद बच गया सिंह का जर गई मर गई पाप की सब के मेरे भैया सिंह का जर गई प्रहलाद बच गया सवेरो जैसी बहो प्रहलाद के संगवा जे तिलड़का हाथे जग जग के पे पे घन ते भाई ठाणे भाई खट्टे भाई बालक सलाह करके चले नगर से बाहर। हे परमात्मा भैया ही बच गो होए माँ भैया प्रहलाद बच गो होए बुआ तो मनुआवे तात कई लेंगे जो पास में पहुंचे एक ने कही भैया मुझे तो ऐसी लग रही है पाओ भैया ही बच गो बुआ की तो पूछो नहीं दिख रही वही जरी गई जान ली के भैया बच गया शीतला चीर में लिपटा राम राम जप रहा था भैया के बचवे की खुशी में अरे बच्चन ने बनाई लई टोली हरे बच्चन ने बनाई टोली
जब पापिन को बदन जरो है तब इति होली नाम परो है। बालकन ने खुशी के मारे रेत माटी की होली खेली, सिंह का चल के राख है गई, नाम रखोगो होलिका। परीक्षित महाराज, तुम्हारे गांव में होली जलाई जाता है फागुन में, और गुलगुली गुलगुली जलाई जाती है। जिमाल में जो गुलगुली है का, पहले के जमाने में एक गांव की एक होली जलती थी और एक ही गुलगुली, फिर मोहल्ला के हिसाब से बट गई। और अब तो घर घर है, जो माल में जो गुलगुली है का, मैं बता रहा हूं तुम्हें ये गुलगुली क्या है। मैया कयादु अपनी नंद से अनुरोध करके आई, अंदाज लगाना जिस मैया का बेटा काल के गाल में बैठा हो उस मैया को नींद आ जाएगी ना, 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 ना। कयादु मैया महल की छत पर चढ़ी और देख रही थी कि कौन नंद आगे न लगा ली लकड़ियन में, वो तो सीधला चिरोड़ बैठी है। महल की छत पर खड़ी थी मैया कयादु, दृश्य निहार रही थी नगर से बाहर। जैसे ही आधी रात्रि का वक्त हुआ, लकड़ के चट्टा में आग लगी, मैया का कलेजा हिल गया। और मैया पेन वरदा सभी सोई उतर के नीति
भगवत श्रोताओ, कयादु मैया जो आंगन में जल गई थी, देखा होगा होली में आग लगती है तब होली से ही आग आती है गुलगुली के लिए। मैया ने जब जलती हुई आग देखी थी तब जली थी आंगन में। हिरण्यकश्यप अपने आए के लड़का को हाथ पकड़ो जी गई, ओए मुझे तो मालूम थी खाएगा मेरी बहन को, तेरे लिए काल नहीं आया बहन को खा गया, चला तुझे अपने हाथ से मारूंगा तब देखूंगा तुझे तेरे राम को। बीच दरबार में लोहे का खम्मा सुरख लाल करवा दिया, देख अगर अब भी तूने राम का नाम नहीं छोड़ा तो इससे बदमा दूंगा। प्रहलाद विचार कर रहे प्रभु पिताजी के सामने आप आते नहीं हो और खम्मा इतना सुरख लाल है, अगर धोखे से भी शरीर छू गया खल की तो बात अलग है, हड्डी पिघल जाएगी। भयभीत होने लगा प्रहलाद, भगवान समझ गए भक्त भयभीत हो रहा है। अरे भौंय तब ठाकुर ने परमात्मा आ गया। हिरण्यकश्यप ने की ओए बोला बोला अपने राम को, अरे हिम्मत बढ़ गई प्रहलाद में, तब कही पिताजी राम उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा राम कण कण में व्याप्त है,
फिर अंकल से अपने कहा मेरे सामने नहीं आता, आवाज आ रही है, आ रहा हूं। नजरें उठा के देख रहा है, आवाज आती है, सामने नहीं आता। दूसरी बार फिर शब्द आया, आ रहा हूं। आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, सामने आकर के दिखा। तीसरी बार फिर शब्द आया, आ रहा हूं। आवाज आ रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का है। बड़े भगवान आगे हिरण्यकश्यप की, ओए तू को है, तू कौन है? भगवान बोले बड़ी विडंबना है, तब से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, आता नहीं है, सामने नहीं आता। सामने आ गया तो पूछ रहा है कौन हो, तुझे मारने आया। हिरण्यकश्यप की मोए मार भी थे, पहले तो जो मालूम है वो वरदान किन कौन कौन से मिले। भगवान बोले वरदान की ना, पहले वरदान बता पाए। बोले ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, ना बाहर ना भीतर, ना दिन में ना रात में, ना तेग से ना तीर से और ना एक रूप से। बोले कैसे मारेगा? भगवान बोले हर वरदान बचा करके तुझे खत्म करके जाऊंगा। कहा तूने बाहर नहीं भीतर नहीं, सुन